हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस बतलाऊंगा। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर वन का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आपसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपको पेपर वन और पेपर टू देना होता है। पेपर वन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर वन आपके लिए भी वही होगा जो दूसरे सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए होगा। पेपर वन सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, पेपर टू आपके सब्जेक्ट का होता है। पेपर वन में कितने क्वेश्चन आते हैं? पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। एक चीज़ और आपको कई बार कंफ्यूज करती है वो ये कि यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो याद रखिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए आपके नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे। अगर आपको यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर वन का सिलेबस पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पेपर वन के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेपर वन का सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट आपसे पेपर वन क्यों करवाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर वन का सिलेबस क्या है, तो उसमें आप देखिएगा यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर वन में 10 टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलेंगे। पहला जो यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं, पहली यूनिट आपकी है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में होंगे यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए दी हुई हैं। टीचिंग है, कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसी तरह से लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम मिलेंगे। ये बात हुई यूनिट वन की। यहाँ पे 10 यूनिट्स है, इसका मतलब ये कि हर यूनिट से आपको एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिट टू जो आपका है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनिट टू में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। यूनिट थ्री में कॉम्प्रिहेंसन, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के ध्यान में रखते हुए 5 क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे होंगे। पैसेज को आपको रीड करना होगा और उनको पढ़ने के बाद में दिए गए सवालात के जवाब देने होंगे। यूनिट फोर जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें यूनिट फोर में आपसे पूछी जाएंगी। यूनिट फाइव जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, ये सब चीज़ें आपको यूनिट फाइव में देखने को मिलेंगी। यूनिट जो सिक्स है वो आपका है लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यूनिट की तरफ। यूनिट आपके जो 7 है वहाँ पे आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी DI के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिट 7 में। यूनिट 8 में आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT के क्वेश्चन मिलेंगे, ICT के क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट 8 में। हम बात करें यूनिट 9 किससे रिलेटेड है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से।
यानी एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, माहौलियात से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी यूनिट 9 में। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यूजीसी नेट जो होता है हायर एजुकेशन सिस्टम को कंडक्ट करता है, उसको मॉडिफाई उसके लिए काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको टेस्ट करेगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका नॉलेज क्या है, तो ये ज़रूर चेक करेगा आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो इस तरह से यूजीसी नेट के पेपर 1 में 10 यूनिट से, हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हर यूनिट से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के सवाल मिलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये जानना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यूजीसी नेट हमसे पेपर 1 क्यों करवाता है? जब हम रिसर्च अगर करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो पेपर 1, पेपर 2 पे अपने सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए उसने क्लियर कर दिया सिलेबस से पहले ही। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, यानी उसका जो मोटिव है, उसका उद्देश्य है, उसका मकसद जो है कि वो टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट की उसके टीचिंग की यानी पढ़ाने की और रिसर्च करने की जो योग्यता है, काबिलियत, तो उसको जांचना चाहता है और बहुत सारी चीज़ें। टेस्ट एम्स, ये जो टेस्ट होता है उसका उद्देश्य है एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज एल, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को भी वो क्या है, जांचना चाहता है। इस तरह से कुछ और भी इसके नीचे उद्देश्य मेंशन किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।